ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस जिस फोटो एडिटिंग में कुछ बैकग्राउंड पीएनजी जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप सभी के लिए ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना है, आप सभी को जो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। देन उसके बाद आप सभी को करना, आप सभी को चले जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड ऐसे गाइस मॉडल को ऐड कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे आप गाइस जैसे अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको जो यहाँ पे मॉडल का हाइट कुछ इस टाइप से इतना रख देना है। एंड उसके बाद आप सभी को आगे की तरफ मॉडल को रखना है, ताकि जो आप ये बैकग्राउंड जो मतलब ये आगे का जो एरिया ना आपको उसको रेज करना है, तो यहाँ पे ओपेसिटी कम करके एंड रिजर टूल में जाकर आपको हार्डनेस को फुल कर लेना है। एंड ऐसा आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रेज करना है। उसके बाद जो है गाइस आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पे आप जब इतना काम कर लोगे तो आपको जो यहाँ से थोड़ा सा एरिया जो अपने रेज किया होगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको ओपोजिट यहाँ पे फुल कर देनी है। एंड उसके बाद आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जो यहाँ पे अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट भी बनाना है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट बनाएंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से डुप्लीकेट बनाने के बाद जो है यहाँ से हम चलेंगे एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद यहाँ से हम जो है ब्लैक एंड व्हाइट को लेंगे एंड इसका अमाउंट जीरो कर देंगे। एंड इसको हम डुप्लीकेट करके साइड में रख लेंगे, जो ब्लैक वाला जो हमारा दूसरा उसकी ओपोसिटी कम करेंगे। एंड रिजर टूल में जाएंगे एंड जो जो मतलब हैंड का एरिया और हमारा फेस का एरिया जो है हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें वो डार्क नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ से हम बाकी सबको यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। एंड गाइस ये जो काम है आप लोग आराम से करना, मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर रखा है ताकि आपका जो है टाइम में ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, ठीक है? तो आप लोग आराम से करना टाइम देके, एंड जिस चीज़ में जितना ज़्यादा टाइम लगता है वो चीज़ उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, तो आप लोग आराम से करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हम इसको फटाफट करते हैं। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना यार वीडियो को, क्योंकि यार आपके एक लाइक से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यार आजकल क्या है कि यार वीडियो की जो रीच है ना, मतलब चैनल का जो मतलब एनालिटिक्स है वो मैं चेक करता हूँ ना यार, तो मतलब बहुत डाउन जा चुका है यार। तो मतलब यार थोड़ा सपोर्ट बनाओ यार, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के लिए यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, तो यार थोड़ा आप भी कर दो यार मेरे लिए कुछ। तो बाकी इतना करते हैं हम, ठीक है? फटाफट देन आपको बताता हूँ मैं आपको आगे करना है। देन देखिए इतना हो जाने के बाद आपको ओपोसिटी जो अपने हिसाब से रख लेना है। देन आपको जो दूसरे वाला आपको उसको वापस से लेके जाना है एफएक्स में। एंड यहाँ पे नेगेटिव वाला लेके आपको जो यहाँ पे कलराइज में जाकर आपको जो है ब्लू कलर ढूंढना है, ठीक है? जो कि मतलब आपके वाटर कलर है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको जो है आपको यहाँ पे ओवरले या फिर आप इसको रख सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई रख रहा हूँ। तो उसके बाद रिजल्ट में जाकर इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना, ब्रश का साइज लेना है एंड ओपोसिटी हार्डनेस कम करके जो है आपको यहाँ पे साइड साइड में ऐसा पेंट करना है, ठीक है? इस तरीके से साइड साइड में। ओके सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे हेयर्स को भी कर देना ब्लू। एंड इतना हो जाने के बाद आपको जो यहाँ पे ओपोसिटी कम करना है, पूरी बॉडी के ऊपर कर देना है पेंट, ठीक है? इतना हो जाने के बाद आपको अपनी फोटो को जहाँ पे आप डन कर देना है। अब जैसे आप डन करोगे उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है दोबारा, एंड यहाँ से जो आपको पीएनजी ले लेना है, ठीक है? इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाइट वगैरह जो आप देख लेना अपने हिसाब से, एंड मतलब इतना ही रखना हाइट के यार जो ज़्यादा बड़ा भी ना लगे और ज़्यादा छोटा भी ना लगे, ठीक है? एवरेज में रखना। एंड उसके बाद आप सभी को फिर करना है यहाँ पे, जैसे आप इसको यहाँ पे रख दोगे इतना, तो उसके बाद आपको जो अपने हैंड के पास कुछ इस टाइप से रखना है। एंड बाकी यार जो मॉडल है ना, मतलब इस फोटो के लिए नहीं था, मैंने मतलब जैसे तैसे एडजस्ट करके बनाया, तो ये अपना हैंड में जो है ना अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं इसको अच्छे से करता हूँ एडजस्ट। बाकी आप लोग पोज ऐसा करना कि जो आप अपने हाथ में आपने कुछ पकड़ रखा हो इस टाइप का, ठीक है? तो बाकी रेजर टूल में जाएंगे, हार्डनेस फुल कर देंगे, बाकी जो भी एरिया हमें इरेज करना है, जैसे कि मेरे यहाँ से इतना इरेज कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से परफेक्ट है। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इतना हो जाने के बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे डन, ठीक है? इतना काम हो गया हमारे यहाँ पे। अब इसमें गाइस करेंगे हम थोड़ा सा डोजिन बर्न, जो कि हम यहाँ पे टूल्स में जाकर एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ से इन्वर्ट करके ब्रश को लेंगे एंड यहाँ से जो हमें जहाँ जहाँ चाहिए हमें वहाँ वहाँ पर हम पेंट करेंगे, ठीक है? तो गाइस मैं तो यहाँ पे मतलब इस तरीके से समझा रहा हूँ, बट मैंने इसके ऊपर ना एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जिसमें कि गाइस आप ना अच्छे से समझ सकते हो कि डोजन बर्न करते कैसे हैं एंड कहाँ कहाँ पर जरूरत होती है हमें डोजन बर्न करने की, ठीक है? मतलब हर फोटो में ना डोजन बर्न जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है, अलग अलग जगह पर किया जाता है, तो हर वीडियो हर फोटो का मतलब कि मेथड अलग है। तो मैंने उस वीडियो में ना एकदम कंप्लीट समझा रखा है कि आपको कैसे करना है डोजन बर्न, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो को जाकर देख लेना, आपको इजीली उसमें समझ आ जाएगा। बाकी अगर ऐसे समझ आ रहा है तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर करना है जो ओपेसिटी वगैरह अपने हिसाब से रख लेनी है, देन कर देना डन। अब गाइस हमारे यहाँ पे पिक्सल का काम तो खत्म हो जाता है, तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं एंड इसको लेकर चलते हैं लाइटरूम ऐप में, फिर इसको रीटच करेंगे और मस्त बनाएंगे। सो लाइट में जाएंगे, पहले इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट जो इसको इंक्रीज करेंगे एंड जो शेडो इसको भी इंक्रीज करेंगे, ब्लैक जो इसको कम कर देंगे एंड जो व्हाइट इसको भी इंक्रीज कर देंगे। फिर कलर्स में जाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे, मिक्स में जाएंगे ऑरेंज कलर लेंगे, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन कम कर देंगे, ठीक है? उसके बाद जाएंगे येलो कलर, इसका ह्यू माइनस करेंगे एंड उसके बाद जाएंगे डार्क ब्लू में, इसका जो ल्यूमिनस है कम कर देंगे, सैचुरेशन कम एंड जो स्काई ब्लू तो नहीं करेंगे, इसको हम प्लस रखेंगे, ठीक है? इतना हो जाने के बाद हम जाएंगे नीचे वाले टूल में, हम यहाँ पे जो क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो में विग्नेट डाल देंगे फोटो के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड टोन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है? इस तरीके से एंड यहाँ पे विग्नेट कम कर देंगे। फिर इसके बाद हम फीदर को पूरा इंक्रीज कर देंगे एंड उसके नीचे जाएंगे नीचे वाले टूल में, फिर शार्पनेस को बढ़ा देंगे, फिर वापस से हम कलर्स में जाएंगे, ठीक है?
कलर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में। फिर यहाँ से जो है हम इसका हाईलाइट है इसको हम यहाँ पे रखेंगे येलो टोन की तरफ, ठीक है। यहाँ ब्लू भी रख सकते हैं बट हम येलो टोन रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसका मिड टोन में जाएंगे, इसका सैचुरेशन बढ़ा के इसको भी येलो टोन में रख देंगे। तो हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी चलिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।